सावनीय दुर्गे मैया की हाँ भैया। तो दूसरे भाग की कहानी में मंजावती और कल्लू जल्लाद दोनों प्राणी संजा रानी जहाँ पर के सवो रानियों का महल है वहाँ पर जब पहुँचती हैं तो किस प्रकार कल्लू जल्लाद अब बुलाने को जाता है और मंजा खड़ी है दरवाजे पर। ए मौसी सुन लीजियो, अरे तुम्हारे पति आए गए आज और पानी पियाया बहु अपने बालम कहो तो ऐसे कहा तो कल्लू है जल्लाद। तो रानी संजा सहित बाहर निकल के देखती हैं तो कल्लू जल्लाद और मंजावती थाल को खड़ा हुआ जब देखती हैं तो कहती कि अरे दारी जार, अरे प्रीतो कहती हमारे बे आई है। अरे बे कहाँ आई है, तेरो मरत तेरो नासरो आज जरिया को तू कहा लिवाए लाए कि लिवाए लाओ सुपा चलो जब दारी जा मैं तो तेरो कलिया करता रहा हूं मैं भैया। ऐसी बात कहने लगी जब बस संजा रानी बड़ी चली उतानी कल्लू जल्लाद कहा मौसी गुस्सा काहे होती जब अम्मा आई गई तो मिली आई ले तौले तौले मेरे प्यारे भाइयों मंजावती जा करके संजा बहन के चरणों में गिर जाती है और कहती है ए बहना सुन लीजिया। अरे बहन मेरी सुना लगा के ध्यान अब कोई खता ऐसी मोह पे हुई गई जो के मेरे बलमा ने मोए लिखो बनवा। अरे कर दे तो सिफारस बहना तुम तो अरे हमारी मेरी बहना संजा बलमा मेरे मोह तो कर दे माफ जोड़े रही हूँ हाथ मेरी बहना पड़ रही तुम्हारे पैया मेरी बहना रे मेरी गलती की बलमा से करवा दे माफ। चर बहना तुम पैदा करोगी जो का हमारे बलमा को सब राज भंग हुई जाए हम तो सौवा रानी नु के जब महलन में आए मुसरिया। ए तेरो मर तेरो राई चोरी हमारे काऊ सौवा मुसरिया बोलो बच्चा ना और जब तुम गरम लई कहां से आई ऊंची तो कपगियारी रलिया तूने नीची हाय कर दई मेरे बालमा की तो इज्जत सब खाता मैं मिलाए गई। अरे गर्व तुम कहां से तो ठगनी पानी के लाइयाज तो मेरे द्वारे पे ऐसी पहन भोरे ठगनी मैं तो मुखा नाए देखू चलो तो का जइए रे कलुआ तू तो संग रारिया के ना तो जान सह तो कहो मैं अब पाजी डरूंगी मार ज्यादा बढ़ावा भैया कहूं बढ़ावे बामन जा पाई मैं गिर गई है। अरे जोड़ा हाथ पड़ा मैं तेरे पैया बहन गलती की कर दे माफ। अरे बांधी बनाए के बहना राखो सौ की सेवा करो दिन रात। तो तेरा समझाया है इधर मंजावती ने जब एक भी समझ में नहीं आया संजा के सबो रानियों के तो कहने लगी मंजा परेशान हुई बहन अगर ना मनती तो सुनाओ। ए मेरी बहना मिल ले ना भैया तो पा सारे बहना तो बन को जाए रही है मेरी बहना
भैया तोपा सारे मंझा तो कनको जाए रही है। ए भैया इसी बात पर वैसे ये इस प्रोग्राम में रुपया वैसे बोले तो नहीं जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम अपना ठोस प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का मैंने 2,500 रुपया लिया। ए भैया 2,500 आप ध्यान में, 2,500 रुपया इस प्रोग्राम का, 1 रुपया 8 ग्राम परगमा, 1 रुपया 8 ग्राम परगमा। ये हंसी हंसी की बात है इसलिए रुपया बोल दिया गया, कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी खास तौर से ये हंसी बनाने की हमारी सबकी आदत है। आप इसे गलत ना समझें और उधर ध्यान में मंझावती किस प्रकार कहती है अपनी बहन से, तब की गाई मेरी बहना अब की नीली हाँ। तब की गाई मेरी बहना अब की नीली हाँ। अब की गाई मेरी बहना फिर ना मिलाऊंगी, ए मेरी बहना मिल लो ना भैया तोपा सारे बहना तो बनकाओ जाए रही है। ए मेरी बहना मिल लो ना भैया तो पाकर मैं जन्म जी अटकाओ जाए रही हूं। अरे ज्यादा रे बढ़ावा कहुनु बढ़ावे कहीं तय दौ ढकेलाय तमय कालुआ कहो, और सनमय मंझा दुखिया धरनी पै गिर गई है आज। दोनों प्राणी है आगे काओ आओ पलना देर काई तब दोनों मैं आओ चलते जा मैं जे तो राम मना मैं, ए भैया पर डर मैं जाए। अरे रानी मंझा के रुई दे मैं तो हरे हरे रूख ले तपत झार, अरे रानी मंझा जब रोते आए तो कचिया महल दरारा खाए, मेरी सुख की नंदिया रेती दे गई दुख के आगम बात दरिया। हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं, मेरी ध्यान है देन की बात चारे दोनों प्राणी संटी बनकाओ। ए मेरे प्यारे भाइयों, जब मंझावती और कल्लू जल्लाद पांचों भाइयों सहित जब चलता है, जब बहन ने भी बात नहीं पूछी मंझा की, तब आज दोनों प्राणी जिस दरवाजे पर से मंझा की टोली निकली थी जब तो जहाज के आई थी, आज उसी दरवाजे पर जब पहुंचती है तो दरवाजा भी रोने लगता है। कवि की कल्पना है कि दरवाजा भी रोने लगता है और कहता है, ए मेरी माँ अगर मेरे पैर लगे हुए होते तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता बन में, क्योंकि मैं खुद ही दुखी हूँ और तुम्हारा ये कष्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन मेरी माँ आज मैं अब ऐसी तरीके से बंद हो जाऊंगा कि जब तक तुम नहीं आओगी लौट कर तब तक मैं खुलूंगा नहीं। कहीं दई के आशीष बातर बाजे तो आओ तो नौ प्राणी जब धुरे पै पहुंचे कहीं, अरे ऊपर तपन धूप की पारी रही आओ नीचे धरन कंकरी लिए मंझा पर डगर चली न जाए। मेरे चलत चलत ताओ चाले पड़ गए आओ एक तो मंझा पाइन भारी
आओ तुझे विपत दैया भगवान। तबा पड़े चोर सा प्यास लगी है, आओ लल्ला पानी दिया के आए। सोई मेरे कलुआ जी, अरे बड़े जोर से प्यास मोए लागी, ओ मेरे बछरा मोए पानी थोरो दे आओ जी। सोई मेरी मैयारी, अरे मेरे हाथ से जो पानी पियोगी, ओ मैं तारी तेरो छत्री धारा में घटी जाएगो जी। आओ थोड़ी दूर मेरी मैया रन चलियो। देखिए माँ थोड़ी दूर और चले आप, तुम्हारे ससुर राजा भुज ने एक तालाब खुदवाया हुआ है, आप उसी तालाब में चलकर के अपने हाथों से पानी पी लेना मेरी माँ। अगर मैं तुमको पानी पिलाऊंगा तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा काम करो। तुमने तपसली मैया कर ले, आओ थोड़ी दूर पर ताल खुदो आए, तुम्हारे ससुर में ताल खुदाओ तो मैया पानी पी लियो आज। अरे जहाँ पैताल है राजा तुझको, तहीं हुई पै दोनों पानी पहुंचे। साथ में पांचों भाई भी हैं, और जब तालाब में पहुंच जाते हैं तब मेरे प्यारे भाई और मंजावती तालाब में घुस करके पानी पी लेती है, और जब पानी पीने के बाद में गर्दन गर्दन तक पानी में घुस जाती है, कहती है मेरे लाल कल्लू बेटा ऐसा काम करो, अब मुझे यही मर जाने दो और तुम वापस अपने देश में चले जाओ। जब ऐसी बात सुनी तो कल्लू बल्लाद कहता है मेरी माँ अगर से तुम मर जाओ यहाँ पर तो मैं नैन कलेजे तुम्हारे और खून में कपड़े रंग करके कहाँ से दिखलाऊंगा। बहु ऐसो जलैया राजा तीर्थम मौका सूली पर दे चढ़वाए, अरे तासे ख्याल मेरी मैया करियो पालन सैन करके आव मेरी मात। सुनी कलुआ की आओ करके ख्याल तो मैं तल्लू लला को बामंजा दुखिया निकल के आई, तई धीरे धीरे फिर हौले हौले आओ मंझा चली रही रस्ता मैं आज। अरे लौंगा पन जब पार हुई गए पहुंचे है संती बन में जाए। ढोलके आ संती बन में मंझा रानी पहुंची जाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों जब संती बन में पहुंच जाते हैं पांचों जल्लाद और मंझावती, तब कल्लू जल्लाद कहता है कि मेरी माँ यही संती बन है, तुम होशियार हो जाओ अब हम तुम्हारा कत्ल करेंगे। बिकट बनी बन बेहद झाड़ी, बन में कूदे बंदर रहते हैं पहाड़ी। आज उसी बिकट बनी में कल्लू जल्लाद तलवार को लेकर जब खड़ा होता है तो मंझावती कहती है कि मेरे लाल मैं भगवान की भक्ति नहीं हूँ, ऐसा करो मुझे भजन कर लेने दो, उसके बाद मुझे मार देना। तो आप ध्यान दें मंझावती किस प्रकार भजन करती है। दीनन के दीना नाथ देव धन खंजन, धन आरत मदन गोपाल महा मुनि रंजन, करुणा निधान भगवान करी कहां देरी, दुख हरौ द्वाई का नाथ शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महा दुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज न आई, तुम मात पितन की जाय कटाई भेड़ी, सुखरव द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। तई मंझा की
अटे रस रगमय लागी सिंहासन हिली रहो तब करता को। और नारद जी को बुला करके कहा भगवान ने काहू न बन मैं गाय पसारी। या तो शेर ने बन में गाय को मार दिया है या कि मेरे किसी भक्त को किसी दुश्मन ने सताया है। ए नारद जाओ देखो जाकर के और उस भक्त का दुख दूर करो। तो आज नारद जी फौरन विकट बनी में हाजिर हो जाते हैं और जब विकट बनी बनते हुए धारी में हाजिर होते हैं तो कल्लू जल्लाद का जब वो करिश्मा देखा तो पीछे से तलवार पकड़ ली और कहा मेरे कहे सहे ओ जल्लाद आओ जा दुखिया तो तुम छोड़ दे आज। जल्लाद ये बात बतलाओ ये कहां की रानी है किसकी लड़की है और कहां ब्याह है तुम यहां इसका कत्ल करने क्यों आए हो और मेरे कहने से उसको छोड़ दो। जब ऐसी बात कही कल्लू जल्लाद कहां लगे ठीक है अगर आप नहीं मानते सुन लो ये राजा प्रथम की रानी है और राजा अजयपाल की लड़की है ऐसा काम मुझको सौंपा गया है राजा प्रथम ने कि किसको कत्ल करके हम इसका नैन कलेजा निकाल कर और खून में इसके कपड़े रंग कर राजा प्रथम को दिखलाएंगे ये हमारा काम है और यही सौंपा गया है मुझको। नारद जी कहा ऐसे काम करो जल्लाद तुम छोड़ दो उसे हमारे कहे से। जल्लाद कहा लो ठीक है बाबा जी अगर हम ढील नहीं जाते एक काम करो लाभ तुम्हारी आंख ही निकाल लें दोनों। जब नारद जी पर हावी हुई है कल्लू जल्लाद पांचों भैया घेर लो पकड़ के तो नारद जी कहा दे सुन ले अरे बारे हमारी आंख ही काहे लिखा रहे थे अरे कम से कम बात तो हमारी सुन ले। नारद कहा हम बहुत अच्छे चक्कर में पड़ी है। नारद जी ने करे कौन से काम जब का हालत देखी है कल्लू जल्लाद की और तुम्हें अंधो बनाए दो विकट बनी में पांच भैया जब अंधो बनाए दो अब मैया मैया कहे कहते तो अम्मा तुम कहां गई अम्मा तुम कहां गई और बाबा जी का सुनो अम्मा बाबा हो तो मिले बहुत देर जब हुई मेरे प्यारे भाई हो तब नारद जी ने फिर कहा एक बात होगी कल्लू जल्लाद अगर इसे छोड़ दो तब तुम्हारी आंखें ठीक करेंगे। कल्लू जल्लाद का भैया ढील दिए हैं उन्हें ठीक कर दे बोला हमें और देखो बाबा जी हम कतई कतई नहीं मरे। एक चुटकी बजाई जो है नारद जी ने तो फौरन आंखें खुल गई आज और तब है पाइन में गिर पड़े कल्लू जल्लाद नारद जी के तो जल्लाद कैसे भरन लगो है जवाब के बाबा जी तुम कोई भगवान होगी नारायण होगी अल्लाह होगी खुदा हो तुम कहो ना उन्हें देखो हम नारद जी हैं और भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। बात ऐसी है कि हम तुमको यतन बतलाते हैं आगे चले जाओ जंगल में एक मायावी मृग मिलेगा उस हिरण को तुम मार लेना उसकी आंखें निकाल लेना और उसी के खून में मंजावती के कपड़े रंग के और राजा प्रथम को और उन रानियों को दिखला देना इतना काम तुम करो। जब ऐसी जतन बताई है आज नारद जी ने तो कल्लू ने करे हैं बे काम और फौरन जाए के मृगा बन में मार ले हो हिरन को मार के बाकी आंखी नहीं लिकार अब आंखी लिकार नहीं है मेरे सुन भैया अब करे जो मृगा को लाओ लिकार और तब है आए हैं बे पांचो भैया और मंजावती से कहने लगे कि माता मेरी अपने कपड़ा दे उतार तो नगिन झिलिया के आड़ में हुई के और मंजावती ने अपने सब कपड़े उतार दिए। तब मंजावती से फिर कल्लू जल्लाद ने कहा कि मेरी माँ चिड़िया बिछिया और उतर गई बे उतार तब कैसे कहन लगी मैया कैसे कहन लगी अरे वही तो का फल मा हमारे जिंदा बैठे नर बार ओ मेरे बेटा चुड़िया बिछिया मैं उतारूंगी कतई ना तब हे अरे जलैया कल्लू बहु भोला न लागो ओ मेरी मैया कैसे चुड़िया बिछिया दिखाई होंगे जाए ए मेरी अम्मा अगर चुड़िया बिछिया तुम लाए दे तो हम दिखावेंगे का एका एक चुड़िया मेरी मैया एक तुम बिछिया उतार दे ओ मेरी जननी जाए के राजा फिर थम को देंगे दिखाए तब है कपड़ा लेके संग में एक चुड़िया दीजिया
ए मेरे प्यारे भाइयों, चुड़िया एक और एक विषय लेकर के जब कल्लू जल्लाद पांचों भैया चलते हैं तब कहते हैं, ऐ मेरी माँ एक बात तो बतलाओ, तुमको जुगतबनी में कोई अगर मार दे या कोई जानवर खा ले, यानी अगर तुम मर गई तो हमारे अम्मा पतो कैसे चले आए। उन्हें बात ऐसी है लला, जब तुम्हें राजा प्रथम यानी हमारे पति कुछ इनाम में दे तो तुम एक काम करियो, जय कपड़ा ले लियो हमारे और कछुमती लियो और जब लो इन कपड़ों में खुशबू निकलता रहा पहले कह जान लियो कि अम्मा जिंदा, और जितना बदबू निकलने लगे तो जान लियो अम्मा मरियाई। और एक काम करना, आज मैं तुमको बतला देती हूँ मेरे लाल, सोई मेरे बेटा आज सैकाम तुम जल्लादी को छोड़ियो, मेरे पोतौ कन्हैया तुम काम मत करियो जल्लादी को जी, सोई मेरी मैया आज से काम हम जल्लादी को ना करे हैं, मेरी ओ तो मैं तारी तेरे नाम नाम लागे मैया भाई जी। करे जे लैके राजा प्रथम की तो कचहरी में पहुंचे पांचों जाए, पांचों भैया जब का कचहरी में पहुंचे प्रथम के तब है जाए के दुआ बंदगी करी है समय जाए। आपके लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये मेरे प्यारे भाइयों, जब पांचों भैया ने दुआ सलाम किया है जाकर के, तो राजा प्रथम ने पूछा कि हे जल्लादो, अरे तुमने मेरी मंझा रानी को किस प्रकार से मारा है? तब आप ध्यान दें कि कल्लू जल्लाद क्या कहने लगा कि हे पिताजी, अरे सुनो, मैंने बड़ी ही बेदर्दी से मारा है, जितनी बेदर्दी से आपने वनवास लिखा है मेरी माँ को और उतनी ही बेदर्दी से मैंने मैया को मारा है जगतबनी में। अरे पहले अरे कतेगा मैं मैया के पेट में मारो, सुनो पहलो तेगा मैंने मारो पेट में, अब तब है मैया नहीं का पन में जन्मे हीरा लाल। जैसे ही वो लाल पैदा हुआ और वैसे ही पन में एकदम से उजीत हो ही जाओ, आओ बन मैं उजीत हुई गौ मेरे चाचा, आओ मेरी ध्यान दे लगी बात। सोई मेरे चाचा जी, अरे तब है बालड़िका दो ऊपर फेंक दो आसमान में। पहले तो मैया के पेट में मैंने तलवार को मारा तो मैया के तो दो टुकड़े हो गए, लेकिन बन में कन्हैया लाल यानी लड़के का जन्म हुआ, जब बड़ा ही सुंदर लड़का पैदा हुआ तो बन में एकदम से उजाला हो गया और फिर उस लड़के को मैंने आसमान पर फेंक दिया, और जैसे वो लड़का ऊपर से नीचे को गिरता है तब मैंने क्या किया है पिताजी सुनो, इतनी बेदर्दी से मैंने उस लड़के को भी मारा है। जैसे ही लाला नीचे का आओ जी, जब है ठिकानो ना है तो जिंदा रही मंझा कैसे राम, कि जिंदा नहीं है अब माँ मेरी, मंझा मैया जिंदा नहीं है, आप चिंता ना करो और मेरे लिए कुछ इनाम देना चाहते हो तो दे दो। एक कल्लू जल्लाद ऐसा काम करो, जाओ इन कपड़ों को
और इन आंखों को और इस कलेजे को हमारी रानियों को दिखलाओ जाकर के, और इनाम में जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो। चच्चा हमें कछु ना चाहिए इनाम में, हमें तो जो कपड़ा लिपता चाहिए, और कपड़ा लिपता लेके मैं अपनी तसल्ली कर लूंगा। हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं मेरी ध्यान देने की बात, और जहां पे बैठी मैं सौ रानी तो कल्लू वहीं पे पहुंच गयो जाए। और कल्लू ने जब आवाज लगाई मौसी मौसी कह के तेरे, तो मौसी निकल के नहीं आज, ये मौसी देखो हम तुम्हारी बहनी कत्ल करे आए, देखो अम्मा हमने मार डालो। जब निकल के आई देखे तो कपड़ा लिपता तो देई चुड़िया बिछिया देई सब बातें देई का आंखी मिर्गा की सी लाई तो कान लगी सुन तनाई लला। हमें तो जो मालूम पड़ती मेरी बहन के नैना पड़े सुरीले, और जे तो मृग के से लागे मो कौआ, आज सांची बात कलुआ बतलाए दे मैं धारी जार तो को जान से डारू मार। उन्हें अम्मा बात ऐसी अगर तुम्हें हिरना की लगती आंखें तो एक काम करो सुनार के पास से एक तराजू बांट मंगवा ले, एक आंखी लाओ तुम्हारी निकालने और एक अम्मा की भर दे तौल ले, अगर ले कहो फर्क पड़ जाए तो जान ले अम्मा ना तब वो कान लगी लला हमारी तो एक ही आंखी आएगी, दोनों बजा रहे बंद हो जाए ता से मेरे पूत हमने हंसी करी सतवा ना करी मेरे लाल हो कोई बात ना। अब बजत है ढुलकिया आए तुम्हारे, जब मंजावती की खबर सुन ली है सबों ने कि बाकी मंजा को मार दिया गया है, तब कल्लू जल्लाद तो पांचों भैया अपने भंगपुरा को चले गए हैं। इधर महलों में ढुलकिया बजती है, खूब खुशी मनाई जाती है, सबो रानी हिलमिल के खूब गाना गाती हैं। उधर मेरे प्यारे भाइयों बिकट बनी बन बेहाल झाड़ी में क्या होता है आप ध्यान में क्या होता है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मंझा रानी को बिकट बनी मैं गुजर गो है एक पार तब है अरे तो गर्भ की पीर उठी है बा दुखिया के मंझा बा दुखिया बिकट बनी मैं गैया सी चिल्लाए ए मेरे करता मेरो कोई बिकट बनी मैना। ए मेरे प्यारे भाइयों इधर जब रोती है चिल्लाती है और भगवान का ध्यान करती है तो नारद जी को भगवान ने भेजा, और जब नारद जी बिकट बनी में आए देखा कि मंजावती के गर्भ की पीर हुई है तो फौरन पैमाता शारदा जहां पर जुरैया लगा रही थी समुंदर घटी को वहां जाकर के पहुंचे और कहा हे गोकरी तुम ऐसा काम करो चलो जल्दी से मंजा गर्भ की पीर उठी और बनवाए बाबू को धीर धरैया ना है हमने ये लला अगर मौका ले चले और मेरे लाल को जब दुनिया में के रड़ुआ रहे उन्हें बात ऐसी अम्मा रड़ुआ ठीक हो उन्हें रड़ुआ कैसे ठीक हो उन्हें सुन ले अम्मा रड़ुआ ऐसे ठीक हो कि चौमास को महीना लगो हो दादाऊ भन्न पत्त हो तो भाव जाए अगर कह दे देवर से कि देवर ने बल्टिया भल्लावा तो देवर चावर रपड़ी गिर पर रहे देवर चावर रपड़ी गिर पर एक का बाल्टी जरूर भन्ने चले गए ताजे रड़ुआ वो अच्छे हो दू चार जाता रे बढ़ावा रे भैया कौन मेरे बढ़ावा और जहां पे मंझा रो बे वहीं पे पहुंची बे माता जाए संग मैं तो नाराता ज्ञानी हुआ पे पहुंचे ए सुन भैया तब है कैसे मंझा से भरत जवाब पहली अपीर जाकी हर लई नारायण आओ दूसरी अपीर हर लई है शंकर जी नाओ तीसरी हर लई बाय माता नयाज की पैदाइश का समय है क्रिकेट बनी बन बेहद झाड़ी में 33 करोड़ देवता आए हुए हैं आओ पायल चढ़े शिव भोला आए गए आओ हाथी चढ़ के राजा इंदुर आए गए आओ
जाओ संग मैं आपका रहा नाचे गावे तो पन मैं मचो है दैया चाल की है बात अरे इतमय जन्म अब हो गो लड़का को तापन मैं मचो है तो भैया चाल मेरे प्यारे भाइयों जब तमाम देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को वहां पर दिखलाया है शंकर भगवान भी आए हैं नारद भी आए हैं और राजा इंद्र भी आए हैं अपनी अप्सराओं को लेकर के वहां पर तमाम नाच गाना हो रहा है। इधर जब वही घड़ी और वही मुहूर्त लगा है तो राजा नल यानी राजा नल राहु का अवतार आप ध्यान में ये ढोला रामायण की कहानी है आप और ढोला गाने वाले ना समझे हैं लेकिन मैं आपको आज ये बात नहीं बतलाता हूं कि ये एक पुराण है नल पुराण ये नल पुराण है और इस नल पुराण की कथा को मैं आपको बतला रहा हूं। ये राजा नल जो है ये राहु अवतार है राहु का अवतार चूंकि इसीलिए इसका जन्म विकट बनी में हो रहा है। ये बड़ी गहरी कहानी है कभी आप मुझे अकेले में मिले तो मैं आपको ये पूरी कहानी बतलाऊंगा। ये राहु अवतार है इसीलिए विकट बनी में इसका जन्म है चूंकि इस राहु ने कहा कि मेरा कोई भी शरीर छुए तो कोई देवता ही छुए मैं चूंकि अगर दाई असली दाई अगर मेरा शरीर छू लेगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा देवलोक में मेरा नाम नहीं रहेगा इसलिए तो आप ध्यान दें वो बात छोड़ दें आप जब बहे का घड़ी अरे बहे मुहूर्त आओ लागी अभिकट बनी मैयाज अरे इतमय डुकरिया माता कैसा रदा मंझा कौ तसल्ली रही बंधाय तुम नेक कटेता मेरी अरे नेक कटेता मेरी धीरिया बांधाओ ओ ललो ने कटेता को बांधाओ जब मैं तुम्हारी उम्र में ही मेरी लल्लो तो मैंने सत्तरा करे सत्तरा हाँ तुम ऐसे काय कबलाती ने कटेता बांधाओ झिलिया इधर का पकड़ ले पूछ तुम्हारो सब कट दूर विजय आए ऐसी बातें दो करी कत्नी सब देवी देवता हुआ खूब हंसी मनाओ खूब खुशियां कर और मंजा को ऐसो डोकरी ऐसी बातें कहती जिससे मंजा को दिल बहले तसल्ली हुई जाए कहीं ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे और जन्म की घड़ी लाग गई कोई कन्हैया लाल अरे पनमय जन्म हुई गौ राजा नल को तब तो पकाए न कटिया नरबर में तक जाए जन्म तो हो गया उधर देश नरवर में एक तोप रखी हुई थी ऐसी उसका नाम था नकटिया जैसे इधर जन्म होता है राजा नल का वैसे देश नरवर में वो तोप नकटिया दलती है क्योंकि उसका ये कौल था कि जिस दिन भी देश नरवर में कोई संतान जन्मेगी उस दिन ये तोप दग जाएगी आखरू तो आप ध्यान में राजा प्रथम ने फौरन गंगाधर पंडित को बुलवाया और कहा ए पंडित जी आज महलों में ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई किसी का जन्म हुआ है जब दिखलाया तो सबों रानियों को कोई जन्म की ही बात थी ही नहीं मुसरिया को अलग बच्चा ना काऊ के अब राजा प्रथम को गुस्सा आया और पंडित जी ने कहा कि हे पंडित जी इस आपकी सत्य की तोप में क्या कारण है कि सत्य की तोप में क्या कारण है जो कि दग गई और कोई संतान नहीं हुई तब पंडित जी ने वहां पर बहाना किया देखो बछरा बारी गैया और लड़का बारी अय्या बात एक काऊ बछरा से ब्याई गई हुई है गैया कहां से जन्म कटिया तोप दगी आई पंडित जी ने इस तरीके से समझा दिया राजा प्रथम को बात खत्म हुई इधर आप विकट मनी में पहुंचे और ध्यान देंगे जब जन्म हुआ और नार जब कटाने का नंबर आया तो भाई माता किस प्रकार से कहने लगी उधर माता से मंजा कहती है अरे सोई महतारी अरे जन्म जब हुई गयो मेरे लड़का को ए अम्मा जा बता दे ललाई की लली ए महतारी बता तो दे ललाई की लली
राण चिप्पा भाई धीरा ललाएगी ललि जो कछु है जो सब सामने आई गई है तुमने अच्छा अम्मा ऐसे काम कराओ ना मनती तो कोई बात ना है एक का हमारे ले बताए जरूर दे हमें तसल्ली ना है और तुमने इसका सुन ले लला लला आए लला ये अम्मा लला है तो कोई बात ना है नार काट दे अच्छा देखो जल्दी से अपन देर मती कराओ उन्हें सुन ले अरे हाल बता मैं ओ तो मन जा अरे चौलाए नार की कटाई ना मिल आए तौले मैं नार काटूंगी नार सोई मैं तारी री अरे आज कहो होती मैं नार बार घर मैं ओ मेरी मैया कंचन से दान लुटाऊ दीजी मैं आज कहो पिया रंग महिलाए अरे मेरी बांदी सौ सौ खिजमित करती मैं कंचन से दान लुट बहुती ओ मैया दक्षिणा दे दिया अरे ओ महतारी जी अरे जोड़ा हाथ पाला मैं तुम्हारे पैया मेरी ओ तो अम्मा मेरे नारु लला को काट देव जी अरे ऐसे नारु ना लली हम काट है ए मेरे प्यारे भाइयों जब बार बार मंजावती रिपीट करती है और फिर भी जब नहीं मानती भाई माता डुकरिया तो देखो मंजा कैसे कहा हाँ हमारे भैया प्रकाश भैया रिठौड़ा वाले और भारत साउंड सर्विस वाले भैया साबिर भैया दोनों लोग आप ध्यान में बात ऐसी है देखिए डोकरी का ये कहना है 151 रुपया मोए चाहिए खपटा देने मैं कर देवता जब लो नाय मेरो नेंग मिले गो लला तेरे को मैं काटाऊ नाय ना मंजावती की तरफ से दिया गया है तो आप ध्यान में किस प्रकार लल्ला का नार तो काट दिया जब भाई माता ने तो मंजा कहने लगी ए मेरी मैया आज को सुनाओ अगर जो मैं नरबर में होती तो तमाम सरिया से भर होते कम से कम एक आध सरिये गाय दो तो किस प्रकार कहने लगी मैं आज कहोती जो नरबर कर मैं तो सरिया सोहर देती गवार अरे विकट बनी मैं ओ मैं तारी हियाँ कोई है सरिया गवैया नाय देखो जब नार कटाई हमारे प्रकाश भैया और साहिर भैया ने दिया है तो देखो कंगन ही नहीं के बनो कंगन हाँ प्रकाश भैया और साहिर भैया ध्यान में आप आओ एक तो लल्ला के बाप से बैठे आओ दूसरे चाचा बैठे हैं लड़का के मैं कैसे धीरे अब धरू चोला मैं तब कैसे मन राखू समझाए अरे हमारे ढुलके आ सरिया कहो गाय रही तमें आज हाँ आप सरिया को डोकरी गाती हैं तो किस प्रकार गाती हैं ध्यान दें आप ओ हाँ भैया डोकरी सरिया गौती कैसे गौती कैसे गौती सुनाओ अरे उमारे बारी हम राम दिए ललना उमर बारी हम राम दिए ललना हर चंदा जैसे गोरे सूरज वैसे उजले गुलाब वैसे फूल हम राम दिए ललना गुलाब वैसे गुलाब वैसे फूल हमें राम दिए ललना दाई जो आवे सैया दूर दूर रखना
दाई जो नजारी लग जाए हम राम दिए ललना नजारी लग जाए राम मारी बारी हम राम दिए ललना पंडित जो हम सैया दूर दूर रखना पंडित जो अरे पंडित जो हम सैया दूर दूर रखना मारे नजर लग जाए हम राम दिए ललना नजर नजर लग जाए हम राम दिए ललना नजर लग जाए हम चंदा जैसे गोरे सूरज वैसे उजले गुलाब वैसे फूल हमें राम दिए ललना गुलाब वैसे फूल हमें कुमारी बारी हमें राम दिए ललना ओ भैया डोकरी बराबर इसी प्रकार सैया को गा रही है तो एक सैया और गौती कैसे गौती अरे लला जिया जिया अरे लला जिया जिया अरे लला जिया जिया अरे लला जिया जिया अरे लला अरे बाओ बाओ रे लला जिया जिया अरे लला कुठिया में के गेहूं करे आधे आधे बोधी में का लल्ला बोले ताते ताते बाओ बाओ रे लल्ला जियो जियो रे लल्ला बाजरे की रोटी तवे पे आधी आधी गोदी में का लल्ला बोले दादी दादी बाओ बाओ रे लल्ला जियो जियो रे लल्ला हाथ पानी झूल पानी 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 और गोदी में का लल्ला बोले नानी नानी बाओ बाओ रे लल्ला जियो जियो रे लल्ला जंगल का प्यार बोले हुआ हुआ गोदी में का लल्ला बोले बुआ बुआ बाओ बारे लल्ला जियो जियो रे लल्ला बराबर सरिया गाए चली जाती तवलव एकदा और बोलन लागी का कहन लागी मारा दुआ बोलते क्यों ना है ए प्रकाश भैया ए सागर भैया हाँ मारा दुआ बोलते क्यों ना है सिपहिया बोलते क्यों ना है अरे दाइन आवे नार जो काट है दाइन उसे कछु देवगे की नाए उसे कछु सो दिंगे 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 सो अब की सो फिर की जब और जन्माऊंगी तब की मरदुआ बोलते क्यों नाए सिपहिया बोलते क्यों नाए अरे पंडित मैं पोथी खोल पंडित उसे कछु देवगे की नाए उसे कछु सो दिए 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 सो अब की सो फिर की फिर की फिर जब और जन्माऊंगी तब की मरदुआ बोलते क्यों नाए सिपहिया बोलते क्यों नाए ये भैया आप बराबर सैया को गाए रही हैं डोकरी देखो तीन सरिया तो हुई है ही और थोड़ी थोड़ी हमने छोड़ी हो गई है एक का पांच सरिया पूरी करने तो सुन ले चौथी सरिया कौन सी गौती लाला मेरो गेंदा चमेली को फूल लल्ला मेरो
लला मेरो गेंदा चमेली को फूल लला मेरो दादी को प्यारो ललना ला गए दादी को दिल से कबूल लला मेरो गेंदा चमेली को फूल लला मेरो गेंदा ए लला मेरे गेंदा चमेली के फूल लला मेरे ताऊ को प्यारो ललना ला गए ताऊ को कबूल लला मेरे गेंदा चमेली के फूल लला मेरे ए लला मेरे गेंदा चाचा को प्यारो ललना ला गए और चाची के दिल से कबूल लला मेरे बेला ए लला मेरो गेंदा चमेली को फूल लला मेरो मैया को प्यारो ललना ला गए मैया को और भाभी के दिल से कबूल लला मेरे हे प्रकाश भैया हे भैया भारत भैया लला मेरे गेंदा चमेली के फूल लला मेरे तो पचई सरिया देख लाइन और सुन ले पांच सरिया पूरी हो जाए तब आगे कहानी बढ़िया है डोकरी खुशी में खूब लहिंगा फरकाए फरकाए नचपी बाबन में दैया चाल मचो आप ध्यान में मेरे लला के मल देवते सासुर पैया परू तेरे हाँ मेरे लला के मल देवते सासुर पैया परू तेरे मेरे लला को बेला चमेली और आंवला को बेला परसों कमल देव तेल में सासुल पैया पर मेरे लाला कमल देव तेल में सासुल पैया पर मेरे लाला कमल देव तेल में सासुल पैया पर ना जुही मोगरा संतरा को ना जुही मोगरा संतरा को कर देव रेल हम तेल सासुल पैया पर मेरे लल्ला के मल देव तेल मैं सासुल पैया पर मेरे लल्ला अरे डारो लांग गरम करी करी के अरे जब ही बने को खेल मैं सासुल पैया पर मेरे लल्ला के मल देव तेल मैं सासुल पैया पर मेरे हाँ लेओ लेओ गोंद क्यों देर लगावो लेओ मतवारो बालक खेल मतवारो चौपालक को खेल सासुल पैया पर मेरे लल्ला के मल देव तेल मैं सासुल पैया पर मेरे लल्ला के अरे ऐसे ऐसे सरिया गाँव है आओ बहुत सरिया गाई ढोकरी नए मेरे भैया बिकट बनी दरम्यान हुई गए सुना भैया हो ए मेरे प्यारे भाइयों जब सरिया सोहर गाय करके डोकरी और ये तो चली जाती है समुद्र घटी पाए उधर 33 करोड़ देवता वो भी खुशी मना करके सब अपने अपने वतन को चले जाते हैं अपने अपने स्थान को चले जाते हैं वैसे वहां पर सवा पहर मूंगा मोती बरसे तमाम खुशियां मनाई गई और राजा नल का वहां पर नामकरण भी हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी ने लड़के का नामकरण किया तो राष्ट्र का नाम नल छत्रधारी रखा और तमाम लटेरा नाम भी रख दिए उनके मेरे प्यारे भाइयों सभी तो चले गए अपने अपने देवता लोग देवलोक को प्रस्थान कर गए इधर
मंजावती अकेली और उसका पुत्र जब रह जाता है तो आप ध्यान दें वह माता जी और नारद जी फिर से किस प्रकार मंजावती के लाल के लिए अब दूध पिलाने की जब बारी आई तो बकरिया उठिया नारद जी ले आए और जब बकरिया उठिया दूध को ले आए तो लड़का नाई उठाओ लड़का नाई उठाओ तो बड़ा मंजा चक्कर में जने दारी जा रखा है वो दूध पिया है। अब कई सो का करें तई भाई माता शारदा गई और जा करके बाघिन को ये मेरे प्यारे भाई और शेरनी का दूध का जब पिया दिया है लाए तो अब राजा ने घुटुर घुटुर पिया है। जब घुटुर घुटुर पिया है इस प्रकार रोजाना ही शेरनी का दूध पीता है राजानंद आप ध्यान दें। और उधर मंजावती भी अकेली झील में है। मंजावती से एक बार वह माता ने कहा जो मेरी बेटी अकेले छोड़ करके इस लाल को कहीं मत जाना। एक दिना की बात बता मैं हमारी ध्यान देन की बात वह माता की बात भूल गई मंजा और राजा नल को अकेलो छोड़ दो झिलिया में आज और पानी पियन को निकल गई है तो पहुंची है बड़ी दूर पे जाए और रास्ता भूल गई है सुन भैया हो हमारी ध्यान देन की बात राजा नल को अकेला छोड़ करके आज बनी में जब घूमने के लिए गई फल फ्रूट खाती है उधर जब एक झील में पानी पीकर वापस लौटती है तो रास्ता भूल गई। रास्ते में बधिक मिलता है बधिक की जब नियत खराब हो जाती है तो वो पीछे दौड़ता है मंजा को जब नवीन देखता है मंजावती अपनी लाज को बचाकर भागती है भगवान से ध्यान लगाए हैं जो ना मेरी लाज रखोगे हे करता ध्यान देन की बात और जा बधिका से मेरी लाज ना बचेगी तो प्राणी मेरी उठ जाए और मेरा लाल बिलखत रह जाए वो झिलिया मैं और कौन विधि मेरा जीवन हो गो राम। ऐसी बात जब कही मंजा ने तो भगवान ने जब सुनी तो भगवान ने सर्व बनकर के और उस बधिका को कस लिया बधिका तो खत्म हो गया। इधर मंजावती झिलिया में पहुंच के अपने लाल को जब देखती है तो लाल वहां नहीं मिलता है और लाल को इधर माता शारदा उठा ले जाती है। जब लौट कर देखती है मंजा के मेरा लाल तो है ही नहीं तो परेशान होती है रोती है चिल्लाती है किस प्रकार ध्यान दें आप। सोई मेरे बेटा जाई लला के मन रामा कारने बिकटा बनी मैं हाँ बड़े बड़े दुख उठाए जी सोई मेरे स्वामी